oi, 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 oi. रुको 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 रुको। अरे सर जी, आपके मूछे, वाह 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 वाह। ओके सर जी। भारत माता की जय। ये हुई ना बात। उसका वेट बहुत 7 किलो का। क्या चल रहा है यहाँ पे? भाई चेक करो लता मंगेशकर का, लता मंगेशकर का भाई, जो ये वीणा है ना, वीणा नीचे दिखाए तो। अरे बाप रे बाप, गजब का सीन है बे तो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। वी आर बैक विद अ न्यू व्लॉग, डे 10 इन यूपी उत्तर प्रदेश। सो बहुत एक्साइटेड हूँ अभी आज के राइड के लिए। सो तुम्हारा भाई भी निकल चुका है, अभी निकलने वाला है यहाँ से यूपी। अभी मैं होटल रुका था, ये वाला होटल है। सो देख सकते हैं अभी मैंने साइकिल वाइकल सब कुछ वॉश करके, भयंकर वाला आज तो इतना धूप लगा हुआ है ना। सो आज राइड करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो जो भी हो, राइड तो करना ही पड़ेगा। सो हम भाई के इधर पे होटल पे रुके हुए थे। थैंक यू सो मच भैया। भैया आपका ये होटल का नाम क्या है? होटल फ्लाइन गोरखपुर एयरपोर्ट। होटल फ्लाइन, होटल फ्लाइन पे आप लोग इधर पे आके रह सकते हो। सो अभी इधर से निकलेंगे। सो अभी निकलना पड़ेगा गाइस, निकलना पड़ेगा, बहुत लेट हो चुका है। हेलो भैया, कैसे हो? एकदम अच्छा हूँ, एकदम बढ़िया बढ़िया। ओके, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ओके भैया, अंकल चलिए मेरे साथ। चेक करो तुम्हारा भाई का साइकिल अभी रेडी हो चुका है, बम बम सा। इतना मैला हो गया था ना कल रात को बारिश की वजह से। सो देख सकते हैं अभी वॉश किया है, उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं पर भी ठीक है। आंटी मेरे को मिठाई देगा, खा लो। हाँ खा के जाएंगे। ओके थैंक यू भैया। सो भाई तुम्हारा भाई भी निकल चुका है अपने डेस्टिनेशन की ओर। ओके भैया थैंक यू। सो भाई इधर पे ना, जो अभी मैंने सुबह सुबह देखा था, जो प्लेन है ना, प्लेन जो आर्मी का फोर्स का, जो लड़ाई वड़ाई में सब कुछ जो वॉर के टाइम में यूज़ होता है ना, वो फ्लाइट सुबह से इधर से जा रहा था, इतना भयंकर वाला, वो भी साउंड के साथ। जो इतना जो देख रहे हो ना ग्रीन कलर का बॉर्डर, ये वाला पूरे के पूरे बॉर्डर एरिया है भाई। आज तकरीबन तकरीबन 150 करना पड़ेगा, 150। ओ बाप रे बाप, हाईवे पे क्या है, किस दिन जब आप इधर से गुजरते हो ना तो थोड़ा संभल के जाना पड़ता है। कितने दिन हुए थे विली नहीं मारते हुए, आज तो मारना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। भाई तकरीबन तकरीबन एक ही हफ्ते हो गए थे मैंने विली मारते नहीं हुए, सो आज तो मार रहा हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। तुम्हारा भाई यूपी में विली मार रहा है, सोचा नहीं था। वो किधर का रास्ता है? पहले चले थे सिक्किम से, 18 को निकले थे भैया। हाँ थैंक यू, थैंक यू। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुनो रुको रुको,
ओम भो। वीडियो बन रहा है, हाँ बन रहा है अभी। गौतम चैनल एमटीवी जोएल, ओके ब्रो। रुको रुको, वंदे मातरम बोलना, भारत माता की जय। ये हुई ना बात, ओके भैया, पब्लिक रिएक्शन बहुत बढ़िया है इधर का। काम कर रहा है ना, हाँ करें। भाई देखो भाई, इतना अच्छा पेंटिंग किया गया है ना भाई, चेक करो। इंडियन आर्मी, जय हिंद जय भारत। ओए 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 ओए, रुको 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 रुको, उस पर आज झुकेगा नहीं, उस पर आज झुकेगा नहीं भैया। फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स, भाई देखो देखो, ओ भयंकर वाला महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, ओ भाई सुभाष चंद्र बोस, भाई जय हिंद। अब सही दिख रहा है। ओ कौन सी झील है ये, ओ रे बाप रे बाप, लुक एट दिस, ना भयंकर दिख रहा है, अरे बाप रे बाप। ओके रास्ता आधे आधे कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, तो डरने का क्या चीज़ है ना। तुम्हारा है भैया अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है दोस्तों, भैया अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं वहाँ पे। हम यूपी वाले हैं जनाब, दिल नहीं तोड़ते किसी का। तो दोस्तों तुम्हारा भाई अभी स्टार्ट किया हुआ है व्लॉग गोरखपुर से, ये रहा गोरखपुर का नज़ारा। हाँ दिल्ली भैया, शुरू होते अभी ट्रैफिक भाई, देखो पूरे के पूरे। हाँ जी कितने दिन हो गए, 18 को निकले थे भैया। हाँ, बहुत बढ़िया ट्रैफिक है भैया अभी, जो इधर से हाईवे पकड़ता है ना रूट, इधर से किधर जाता है। इधर से लेफ्ट, हाँ ठीक है। संदेश से आते हैं, ओ हमारा सरदार जी देखो, गद्दार टू गद्दार। तो अभी क्या सीन है कि बहुत ज़्यादा व्हीली हो गया, अभी थोड़ा राइट पे फोकस करते हैं, वैसे ही व्हीली करते हुए जाएंगे ना तो कल भी नहीं पहुंच जाएंगे, इसलिए अभी व्हीली बंद करते सो चलो। सो तुम्हारा भाई अभी निकल चुका है भाई गोरखपुर से, सो भाई भयंकर वाला मज़ा आ रहा है राइड करने में। तो तुम्हारा भाई भी निकल चुका है गोरखपुर से, इतना बड़ा शहर है ना इसमें, यहाँ पे अब भाई साहब। अंकल जी कैसे हो, ठीक है, रहना भी चाहिए जरूरी है, चलो चलो। तो फ्रेंड्स तुम्हारा भाई अभी भाई चाय ले रहे रास्ते में, गोरखपुर अभी अभी कटा हुआ है, मैं अभी क्रॉस हो चुका है अभी गोरखपुर, सो इसीलिए भाई इधर पे रुके हुए चाय के लिए, और उसके बाद मकई भी खाएंगे, मकई इतने धूप में, क्योंकि बहुत कुछ खाने का मन कर रहा था इसीलिए। तो
सुगा देखो, सुगा सुगा क्या बोलते इसमें, सुगा ही बोलते ना, बोलता है ये नहीं बोलता, बच्चा है ये भी बेचने के लिए है क्या, बेचने के लिए है। चेक करो पानी भी इस प्लास्टिक में मिलता है इधर पे, और इसको ना भाई ऐसे करके सब खाना पड़ता है। ओरे भाई इतना भयंकर धूप लग रहा है कसम से, मेरा तो हालत बहुत बुरे होने वाला है अभी तो। उधर पे बोर्ड पे लिखा हुआ है लखनऊ अयोध्या माँ घर, लेट्स गो लेट्स गो, रुकना ही नहीं झुकना नहीं। इतना कड़कते हुए धूप है ना भाई, ओ भाई ओ भाई पूछो ही मत, इतना भयंकर धूप है। सो फ्रेंड्स अभी फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अयोध्या। सो अभी इधर पे जैसे मैं रास्ते से जा रहा था ना वैसे हम लोग सर जी मिला इधर पे। अरे अरे सो बहुत दिल से एकदम शुक्रिया सर जी आप लोगों को, थैंक यू, क्योंकि अभी तक ऐसे सपोर्ट मेरे को नहीं मिला था कि वो रास्ते में जब जाते थे ना उस टाइम पे बाय बाय होता था लोगों से, पर सर जी ने इधर पे मेरे को होटल इधर पे बुक करके अभी, सो राइट नाउ मैं अभी होटल में हूँ। सो एकदम खुश लगा जी। स्वागत है, थैंक यू आप सबको, भाई का सपोर्ट करिए और जो लक्ष्य लेके भाई चला है उसको हम सब मिलके पूरा करते हैं। जय भवानी। आज मेरे भाई जोएल छत्री से मुलाकात हुई। जोएल जी आप कहाँ से हैं? मैं सिक्किम से। आप सिक्किम से हैं और सिक्किम से दिल्ली तक बाई साइकिल एक जर्नी आप लेके चले हैं, और इस जर्नी का मोटिव जैसा कि भाई ने बताया नशा मुक्त हो हमारा देश हमारा प्रदेश हमारा समाज। तो मैं अखिलेश प्रताप सिंह आपका अयोध्या की धरती पर स्वागत करता हूं, और जितने भी मेरे भाई जितने भी मेरे संगठन के लोग हैं भाई यहां से दिल्ली जाएंगे और रास्ते में लखनऊ आगरा कानपुर होते हुए मथुरा होते हुए दिल्ली तक पहुंचेंगे। मैं भाई की लोकेशन और भाई के नंबर आप सबको शेयर करूंगा, और एक निवेदन है कि मेरा भाई जिस जिले में पहुंचेगा उसको आप कांटेक्ट करेंगे और भाई के को जिले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भाई आप भी कुछ कहना चाहते हो? अखिलेश तो बहुत बड़ा बहुत खुश लग रहा है मेरे को और नर्वसनेस भी, क्योंकि अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया रास्ते में इतना बार। मैं उधर से तकरीबन 800 और 900 किलोमीटर से दूर से आया हूँ, तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ रहा था। सो थैंक यू सो मच, स्वागत है मेरे भाई, दिल से शुक्रिया। बस आप जिस मुहिम को लेके चल रहे हैं हम सब भी उसी मुहिम में आपके साथ हैं। आज आप ये यात्रा अपनी पूरी करें, माँ भगवती से हम दुआ करते हैं भविष्य में जब कभी भी कहीं आपको संगठन को लेके जरूरत होगी, आपको समाज में कोई भी काम करने की जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े। जय भवानी। स्वागत भाई, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, आप एकदम फ्री माइंड मेरा नंबर है, एंजॉय करो आराम से बैठो टहलो घूमो, अगर कोई भी नीड है मुझे कॉल करना, मैं 10 मिनट की दूरी पे ठीक है ना। चल और मैं तो कहता हूँ कि आप जहाँ भी जाओ हर आदमी आपका ऐसे ही स्वागत करे, इतना ही प्यार चाहिए सबके साथ। अयोध्या में पहुँच चुके भाई, तुम्हारा भाई अभी सिक्किम से लेके अराउंड 800-900 समथिंग। सो अभी भाई इतना भयंकर, सो फ्रेंड्स भाई इतना ग्रांड भाई इधर पे वेलकम किया ना मेरे को। मेरे पास क्या है कि मेरे पास बैटरी नहीं था, फुल पूरे के पूरे स्विच ऑफ हो गया था भाई, देखो मेला कितना जम गया भाई देखो। सो तुम्हारा भाई ऐसे एक्सपीरियंस कभी नहीं किए थे। सो अभी भाई इधर पे नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे और उसके बाद चलते हैं। सो फ्रेश हो जाएंगे और उसके बाद अब लोग इधर सीन दिखाऊंगा, क्योंकि जब मैं उधर से आ रहा था ना मेरा फ़ोन ब्लाइंडली एकदम स्विच ऑफ हो गया था, रास्ते में कुछ चार्ज वार्ज लगाने का कोई ऑप्शन नहीं थे। सो इसीलिए सो फ्रेंड्स जो अभी इधर पे आए थे हमारे साथ जो सर अखिलेंद्र सिंह अयोध्या के करना सेना है, और उसके बाद ये क्या है कि करना सेना मतलब यहाँ पे जो जस्टिस नहीं मिलते ना जो पीपल को, जो अनफेयर होता है जो अनफेयर होता है, और उसके बाद जो इधर पे जितने बंदे को पुलिस और जो गवर्नमेंट से जो जस्टिस नहीं मिलते ना, तब उस टाइम पे जो सर जी है ना जो इधर पे आया था वो सर जी खड़े होते हैं भाई, उसके लिए तो एकदम हैट्स ऑफ।
बढ़िया बढ़िया, देखो देखो। अरे भाई, सो भाई तुम्हारा भाई का भी डिनर आ चुका है, सो अभी इसको खाते हुए। सो फ्रेंड्स, अभी भाई अभी रात के बज रहे 7, सो अभी मैं अभी जा रहा हूँ इधर पे घूमने के लिए अयोध्या पे। सो भाई चेक करो पीछे का सीन, जो पैलेस दिख रहा है ना, पैलेस इतना भयंकर दिख रहा है इधर से। इधर पे क्या है इसका नाम, सूर्या पैलेस। सो आप इधर पे आकर रह भी सकते हैं। सो इधर पे मेरे को क्या किया कि जो इधर का भैया था एक, उसने मेरे को इधर पे इतना वेलकम किया ना, ग्रैंड वेलकम, थैंक यू सो मच उसके लिए। सो अभी मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ यहाँ से, लगभग लगभग 1-2 किलोमीटर सामने पे है उधर पे बाज़ार, जाएंगे उधर पे चौक को घूम के आएंगे। क्योंकि भाई आज मैं ना दिन में ना भाई मेरा पूरे के पूरे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, और उसके बाद जो हीट के वजह से ना, हीटिंग की वजह से मेरा फ़ोन भी ओपन ही नहीं हो रहे थे। सो इसीलिए आज तकरीबन मैंने राइड किया ऐसा समथिंग, तकरीबन किया आज मैंने राइड 130 समथिंग ऐसा मैंने राइड किया। सो भाई भयंकर वाला इतना मज़ा आया, मेरा फ़ोन ही भाई हीट की वजह से ना बैटरी बैकअप ही अच्छा नहीं है, तो इसीलिए गोप्रो खरीदने का सोच रहा हूँ। पैसा नहीं है, पैसा होता तो सब कुछ होता ना फ्रेंड्स। मेरे को रेस्ट करना चाहिए था, बट मैं अभी इधर पे आप लोगों के लिए कंटेंट के लिए थोड़ा दिखाता हूँ इधर का नज़ारा, रात के नज़ारा अयोध्या के है सामने पे। अयोध्या है मतलब इधर पूजा करते हैं, सरयू घाट है सामने, पूजा होती है, होता है, जा सकते ना, थैंक यू। जो मेरा पिछवाड़े है ना उस पे ना भाई बहुत जलन हो रहा है भाई मेरे को। हाँ ये सारा घूमता है, इसको ऐसे घुमाना पड़ता है, अंदर नीचे दिखाए तो। अरे बाप रे बाप, गजब का सीन है बे तो। हाँ भाई, किसको गिफ्ट चाहिए भाई, जब 10 सब्सक्राइबर कंप्लीट होएंगे ना तब आप लोगों को एक एक गिफ्ट ये मिलेगा। भाई रस्ते में काम आएगा जैसा लग रहा है मेरे को। सो तुम्हारा भाई अभी आइसक्रीम खाने के लिए जा रहा है भाई, तो चलो। सो फ्रेंड्स, तुम्हारा भाई अभी आइसक्रीम खाने के लिए जा रहा है। भैया आइसक्रीम मिलेगा, दीदी मैं तो भैया देख रहा था। आइसक्रीम मिलता है, कितने कितने का मिलता है दिखाइए ना, खाएंगे आइसक्रीम जो ये वाला। हाँ 30 का कौन सा फ्लेवर है, ओके। सो फ्रेंड्स, तुम्हारा भाई भी आ चुका है इधर पे। भाई चेक करो लता मंगेशकर का भाई, जो ये बीना है ना, बीना भैया बीना ही बोलता है ना। सो भाई देख सकते हो लता मंगेशकर का जो बीना है ना भाई, उसके यादों में बनाया गया है भाई। सो दोस्तों, तुम्हारा भाई भी पहुँच चुका है भाई लता मंगेशकर की जो यादों में बनाया गया हुआ है, ये जो दिख रहे हो ना, जो पीछे का ये बीना। सो अभी इसको आप लोगों को मैं बता दूंगा, थोड़ा नॉलेज मिला भाई मेरे को, वो क्या है कि ये जो इसका वेट है ना भाई 8 टन है, और उसके बाद जो इसका जो बनने का प्राइसेस है ना 3 करोड़ क्या ऐसा बोल रहा था, 3 करोड़ भैया। हाँ जी, इसका थोड़ा बता दोगे इसका स्टोरी। हाँ, लता मंगेशकर के यादों में बने गए ना ये, याद के लिए है ना भैया, बीना बोलते हैं ना बीना इसको। अरे बाप रे बाप, जो लता जी है उसका जो अभी फूल दिख रहा है ना ये नीचे में, तो उसका एज से रिलेटिव करता है ये वाला, क्यों जितना फूल है उतना लता मंगेशकर जी का एज है भाई, देखो। ओ बाप रे बाप, सर जी आपका तो ऐसा तो बहुत अच्छा है सर जी, आप एक एक बार ऐसा करिए ना,
हाँ कई बार करेंगे। हाँ ये हुई ना बात। ओके सर जी, अरे सर जी आपके मुँह से वाह 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 वाह। ओके सर जी थैंक यू सो मच सर, कसम से सर जी का मुँह इतना कलरफुल है भाई, भयंकर वाला, बहुत अच्छा लगा सर जी से मिलके। भाई चेक करो ये वाला सीन, इतना भयंकर दिख रहा है ना, चेक करो चेक करो। लता मंगेशकर के वो बीना के साथ, लता मंगेशकर के सितार के साथ भाई, और उसके बाद अपुन का साइकिल, चेक करो चेक करो। भाई सी इज द लेजेंड सिंगर, क्या चल रहा है यहाँ पे? कल्चर है क्या इधर का, क्या है? उसका वेट बहुत 7 किलो का। बुलेट है इसमें? नहीं बुलेट नहीं, बुलेट नहीं ना। तो हमको तो इधर कैसा है, दवा कैसे होगा सच्ची? हाँ नहीं इसको तोड़ो आप। ओ बाप रे बाप, देखो भयंकर भाई, तुम्हारे भाई का हाथ में देख सकते हो, ये लेके जाएंगे सिक्किम। निकल निकल गाइस, ओ भाई लाहौर लाएंगे, लाहौर लाहौर।